हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गुलजार ऑनलाइन में। और हम जिस अपने टॉपिक पे आते हैं, तो बात होने चली उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग का वीओ। आज दूसरा दिन है, एक वीडियो में डाल चुका हूँ वहाँ पे, आज दूसरी वीडियो है। अभी स्टार्टिंग में सारी वीडियो रेगुलर नहीं आएंगी और दो चार दिन के बाद ही सारी वीडियो रेगुलर आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा समय है और हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिक चीजें क्लियर कर रहे हैं। फिर क्लासेस हमारे ग्रेजुएट में चार छह दिन के बाद आने वाली है, मतलब न्यू ईयर में क्लासेस रेगुलर होनी शुरू हो जाएंगे। तब तक मैं क्लासेस आपको देता रहूंगा। सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। ज्योग्राफी में क्या है कि अभी अभी रिसेंटली जो यूपीएससी मतलब यूपीएससी का जो लोकसभा का भी जो एग्जाम बता रही है 15 दिसंबर को, वहां पर जिन लोगों ने एग्जाम दिया उनसे आप पूछ के देखेगा कि अच्छे अच्छे जो कैरेक्टर के पेपर पैटर्न से हट गया है, डिफरेंट आया है। तो डिफरेंट कुछ नहीं था उसमें, ज्योग्राफी बहुत ज्यादा थी, है ना। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा थी, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, भूगोल को सबसे पहले कवर करने का प्रयास किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग जो है वो भूगोल में बहुत सारे प्रश्नों को पूछ रहा है, ठीक है। तो दूसरे फायदा और क्या होता है कि जब आपने भूगोल को पढ़ रखा होगा, उसके बाद जब आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आपस में कोरिलेशन बनेगा और हिस्ट्री बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो उदाहरण देता हूं, जैसे बात होती है कि क्या हुआ कि भाई सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था, सिकंदर आया और क्या हुआ, झेलम नदी के किनारे, है ना, पश्चिम से आया और झेलम नदी के किनारे उसका पोरस के साथ युद्ध हुआ। तो हमारे दिमाग में पिक्चर हम जो रट रहे होते हैं, लेकिन हमने पढ़ रखा होगा, मैथ में समझ में आएगा कि ये झेलम नदी कहाँ ऊपर है, भारत के कश्मीर में, आपकी तरफ है, सिकंदर यहाँ से आया होगा और यहाँ पे उसका युद्ध हुआ होगा, और सिकंदर जब जीतता हुआ आगे बढ़ा तो यहाँ पे पड़ेगी कौन सी नदी, ब्यास नदी। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, वो वापस लौट गया। तो मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे, साथ साथ दिमाग में कोरिलेशन भी बनेगा, चीजें अच्छे से बेहतर याद हो पाएंगी। चलिए, अब आज का जो टॉपिक है हमारा वो हम बात करते हैं। सबसे पहले जो बात हमारी चल रही है कि ज्योग्राफी शब्द आया कहाँ से, तो यहाँ पे स्टार्टिंग की हम बात करेंगे। सबसे पहले एक यूनानी विद्वान हुए इरेटोस्थनीज। तो इरेटोस्थनीज ने क्या किया, सबसे पहले इनके दिमाग की उपस्थिति, इन्होंने सोचा कि यार ज्योग्राफी भी एक विषय है और इसे अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए। तो ज्योग्राफी को अलग विषय के रूप में स्थापित करने का तो आइडिया था इन्हीं के दिमाग में आया, और इन्होंने ही सबसे पहले शब्द ज्योग्राफिका लिया था। तो ज्योग्राफिका शब्द सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया, इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया। यूनानी विद्वान थे इरेटोस्थनीज, इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। और भूगोल को ये 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 1801 के बाद 19वीं शताब्दी में जो है क्या किया गया, भी इसे जो भूगोल को एक अलग शाखा के रूप में लोगों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया। अदरवाइज अलग, उससे पहले भूगोल कोई अलग विषय नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो जब इम्पोर्टेंट क्या है कि भूगोल का जनक किसे मान सकते हो, इरेटोस्थनीज को मान सकते हो, और ज्योग्राफी का शब्द सबसे पहले यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया, और भूगोल को अलग विषय के रूप में एस्टैब्लिश करने का क्रेडिट भी इरेटोस्थनीज को ही जाता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे एक देशांतर रेखाएं, और मैंने पहले वाली वीडियो में आपको थोड़ा सा बताया था देशांतर रेखाएं क्या होती हैं, और देशांतर रेखाओं के साथ साथ मैंने वहां पे अक्षांश रेखाओं की भी चर्चा की थी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये देशांतर रेखाएं क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस इनकी हो जाती है, क्योंकि एक्चुअली क्या था, जैसे मैं आपको बताऊँ ये हमारा भारत रहा और ये यूरोप रहा, तो स्टार्टिंग से ही भारत में पहले कहा जाता है भारत क्या है, सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया है, बहुत ज्यादा पैसा, बहुत ज्यादा सोना था यहाँ पे। ये अरब और मिस्र के व्यापारी क्या करते थे, भारत आते थे और भारत से मतलब व्यापार करते थे, व्यापार के बदले में सोना लेके जाते थे, और वो सोना लेके कहाँ पहुंचते थे, यूरोप पहुंचते थे। तो जब वो यूरोप पहुंचते थे तो यूरोप के लोग बड़ा चक्कर में पड़ जाते थे कि यार कहाँ से ये व्यापार करके आते हैं, कहाँ से बिजनेस करके लाते हैं, आखिर इतना सोना लाते कहाँ से, कौन सी कंट्री है वो। तो उसके बारे में ये लोग जानने के चक्कर में रहते थे कि मुझे अभी ये पता चलना चाहिए कि आखिर वो कंट्री कहाँ पर है। तो इस आइडिया में जैसा कि आपने पढ़ रखा होगा स्टार्टिंग में, एक कोलंबस हुआ था सबसे पहले 1498 में, कोलंबस यहाँ यूरोप से निकला था, वो निकला कहाँ था, इंडिया की खोज में निकला था, लेकिन यहाँ से चूंकि उस समय ना देशांतर रेखाएं थी और ना अक्षांश रेखाएं थी, आइडिया कुछ था नहीं, नाव लेके निकल लिया, तो निकला था यूरोप से कहाँ की खोज करने, इंडिया की खोज करने, रास्ता पकड़ के चलता गया कहाँ पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया। तो 1498 में कोलंबस ने क्या की भाई, अमेरिका की खोज कर डाली, लेकिन निकला कहाँ था, भारत की खोज करने, स्पेन से निकला था, ठीक है। स्पेन से कोलंबस कहाँ निकला, भारत की खोज करने, वो खोज किसकी हो गई, अमेरिका की, 1498 में। उसके बाद पुर्तगाल यात्री वास्को डी गामा वो निकलता भारत की खोज करने, और उसे कामयाबी मिलती है, वो घूमते घूमते यहाँ से होता हुआ अटलांटिक सागर से, इधर से होता हुआ अटलांटिक सागर से इधर होता हुआ हिंद महासागर में होता हुआ और अपने इंडिया में कालीकट पहुंचा था सबसे पहले, है ना। तो उस समय तो हाँ उसके पास यूरोप में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी थी, उसके पास वो जो यंत्र होता है दिशा देखते हैं, उसे वो क्या कहते थे, जिसे हम यंत्र देखने के जो दिमाग में बताऊंगा आपको, आप लोग जानते हैं चुंबकीय सुई होती है, डायरेक्शन आती है नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो दिशा यंत्र लेके वो निकला था और वो कहां पहुंच गया, इंडिया में कालीकट पहुंच गया। तो उस समय तक
ये लोकेशन कोई कंट्री कहां पे है, सारी कंट्री नहीं पता थी, अमेरिका की खोज नहीं होती, फिर इंडिया की खोज होने लगी, तो कौन सी कंट्री पृथ्वी पर कौन सी लोकेशन पे है ये बात कैसे पता चले, यानी किसी भी देश की स्थिति को कैसे फिक्स किया जाए। ये आइडिया 1700 के आसपास, 1750 के आसपास वैज्ञानिकों के दिमाग में आना शुरू हो गया कि यार कुछ ऐसा होना चाहिए, कि कुछ ऐसा होना चाहिए, विद्वानों ने विचार किया जिससे हम किसी भी कंट्री की एग्जैक्ट लोकेशन बता सकते। ठीक है, तो इतिहास के पिता कहलाते हैं हेरोडेट्स। ठीक है, तो हेरोडोटस जो है वो इतिहास के पिता भी कहलाते हैं, और हेरोडोटस ने सबसे पहले क्या किया, दिशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास शुरू किया। दिशांतर रेखाएं सबसे पहले खींचने का प्रयास किसने किया, हेरोडोटस ने स्टार्ट किया दिशांतर रेखाएं। चलो आपको और बता दूं यहाँ पे, तो हेरोडोटस ने क्या किया, दिशांतर रेखाएं खींचने का प्रयास किया और कैसे खींचा। देखिए जैसे ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी पे क्या है कि ऊपर की साइड उत्तर, मतलब ये क्या है, नॉर्थ पोल, नीचे क्या है दक्षिण, यानी ये क्या हो गया साउथ पोल। तो इन्होंने सबसे पहले किसी कंट्री की या किसी प्लेस की लोकेशन को फिक्स करने के लिए यहां से रेखा खींचनी शुरू कर दी। इस तरह से रेखा खींचेंगे, देखिए नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा ये है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा इस तरह से खींचेंगे। ठीक है, इन रेखाओं को बोला गया देशांतर रेखाएं। तो देशांतर रेखाएं क्या, आप समझ रहे होंगे, नॉर्थ पोल से साउथ पोल को मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो देशांतर रेखाएं हैं। क्योंकि पूरी पृथ्वी की अगर हम बात करें तो ये पूरी पृथ्वी, ये पूरा राउंड जो है, यहां से स्टार्ट करोगे आप घूम के यहां जाओगे तो पूरा गोलक वृत्त कितने इंच का होता है, 360 इंच का होता है। तो यहां से लेके यहां तक इस तरह से कितनी 360 देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तो ये भी पूछा जा सकता है देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी, 360 है, मतलब पूरा सर्कल कंप्लीट होगा कितने में, 360 डिग्री में, तो हर एक डिग्री पे एक एक लाइन खींची गई है, तो 360 ये देशांतर रेखाएं होती हैं। अब देशांतर रेखाओं से और सवाल आता है इसके बारे में आपको बता दूं, ये जो देशांतर रेखाएं, जैसा कि आप यहाँ पिक्चर से थोड़ी सी बात कुछ कुछ क्लियर हो रही होगी कि ये देशांतर रेखाएं मैंने बहुत सारी बना दी, तो देशांतर रेखाएं जो है एक दूसरे के समानांतर नहीं है, क्योंकि ये अब मैं यहाँ पे ये तो आपको बताया था लास्ट वीडियो मैंने, ये जो पृथ्वी है इसे हम दो बराबर हिस्सों में बांटने के लिए यहां पर एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, ऐसी काल्पनिक रेखा जो क्या करे पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांट दे, इक्वल इक्वल, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। तो इस काल्पनिक रेखा को हम कहते हैं भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। तो ये यहां पे 0 डिग्री ये क्या हो गया भैया, 0 डिग्री, इसे बोलेंगे विषुवत रेखा, या इसे बोल सकते हैं क्या भूमध्य रेखा भी कह सकते हैं। तो आप देखोगे कि भूमध्य रेखा पर ये जो डिस्टेंस है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस मैक्सिमम होती है कहां, भूमध्य रेखा पर। और आप ऊपर देख रहे हो ये डिस्टेंस मिनिमम कहां होती है, ये डिस्टेंस देखिए और ये डिस्टेंस देखिए। तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी मैक्सिमम होती है, सबसे अधिक होती है कहां, विषुवत रेखा पर, 111.33 किलोमीटर होती है। ठीक है, और ये मिनिमम कहां होती है, ध्रुवों पर ये दोनों रेखाएं मिल जाती हैं और ध्रुवों पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। तो नोट कर लीजिएगा, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या हो गई, शून्य, कहां हो गई, ध्रुव पर, क्योंकि रेखा मिल गई आपस में। और ये दूरी अधिकतम कहां है, विषुवत रेखा पर, क्योंकि यहां पर दूरी रेखाएं दूर दूर है। तो एक ध्यान रखेंगे कि विषुवत रेखा एक दूसरे के समानांतर नहीं होती है, यहां डिस्टेंस ज्यादा है और यहां डिस्टेंस कम है। दूसरी, ये काल्पनिक रेखाएं हैं सारी, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। अब दूसरी रेखा आती है कौन सी वाली, अक्षांश रेखा, जो इस तरह से खींची जाएगी, ये खींची मैंने अक्षांश रेखा। अब अक्षांश रेखाओं में इसमें दोनों में अंतर क्या है कि अक्षांश रेखाएं सारी की सारी एक दूसरे के समानांतर होती हैं। अक्षांश, जैसे यहां पे आपने देखा कि विषुवत रेखाओं, सॉरी देशांतर रेखाओं के बीच दूरी फिक्स नहीं थी, लेकिन अक्षांश रेखाओं के बीच दूरी फिक्स है 111 किलोमीटर। कहीं भी आप मेजर कर लीजिए, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर फिक्स है। अच्छा, एक और अंतर है कि ये जो बीच में विषुवत रेखा है इसके ऊपर कितनी 90, नीचे कितनी 90, तो 90 रेखाएं ऊपर हैं और 90 रेखाएं नीचे हैं और एक रेखा कौन सी होगी, विषुवत। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे, क्वेश्चन पूछ लेते ऑब्जेक्टिव में, तो टोटल में आपकी देशांतर रेखाएं कितनी, 181 हो जाएंगी, 180 नहीं होंगी, कंफ्यूजन रहता है, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। तो 90 और एक कितनी, तो इस तरह की जो काल्पनिक रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं कितनी होंगी, 181 होंगी, एक बीच में भूमध्य रेखा, 90 ऊपर 90 नीचे। ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं ध्रुवीय, ये कौन सी हुई हमारी, देशांतर रेखाएं,
चलिए बहुत ज्यादा बता दिया हमने। काम की बात करते हैं, टाइम पे आते हैं कि हम कैसे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। जीरो डिग्री देशांतर ये क्या है? जीरो डिग्री देशांतर को कहा जाता है ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ग्रीनविच इसलिए कहते हैं कि एक्चुअली क्या है कि इंग्लैंड में ग्रीनविच एक सिटी है, वहां पर वेधशाला बनी हुई है ना, तो ग्रीनविच से होकर निकलती है जीरो डिग्री देशांतर रेखा, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं और प्राइम मेरिडियन लाइन भी कहते हैं, टाइम लाइन भी कहते हैं। मतलब ये रेखा क्या करती है? टाइम बताती है ना कि टाइम डिसाइड करती है हर कंट्री का, अलग अलग टाइम है ना। सारे कंट्रीज में टाइम एक जैसा नहीं होता। यूएसए में जब हमारे यहाँ 5 बजे का होता है तो यूएसए में टाइम कुछ और होता है, हर जगह टाइम अलग अलग होता है। तो ये कौन डिसाइड करता है? समय निर्धारण होता है ग्रीन पे जीरो डिग्री के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही जो डेट का डिसाइड, डेट भी सारे कंट्रीज में एक जैसी नहीं होती। जब हमारे 24 तारीख होती है तो पता चलता है कि अमेरिका में कितनी है, 23 है, एक दिन का डिफरेंस रहता है वहां पे, ठीक है। तो ये डिफरेंस किस वजह से होता है, मैं भी सारी बातें आपको क्लियर करूंगा यहाँ पे क्यों ऐसा अंतर आता है। अब यहाँ पे देखिए, पहले दोनों देखा हूँ कि पोजिशन आप समझ लीजिए, ये यहां से ये निकल रही है जीरो डिग्री, जीरो डिग्री। ये देखिए ये यहां पे इंग्लैंड है और इंग्लैंड में यहां पर ये क्या है, ये कौन सा, मैंने ग्रीनविच बोला तो इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर जाती है कौन सी रेखा, ये जीरो डिग्री रेखा। और इस जीरो डिग्री रेखा को हम क्या बोलते हैं, ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन रेखा। इससे समय का निर्धारण होता है, पहले समय निर्धारण रेखा से निपट लेते हैं। अब जैसे जैसे हम क्या करेंगे, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, इधर हो गया पश्चिम, देखिए पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण, पता है होगा ऐसा, तो बताइए। तो पश्चिम से जब हम पूरब की ओर बढ़ते हैं समय बढ़ता जाता है, हर पृथ्वी जो है पूरा चक्कर 24 घंटे में लगाती है। अगर 24 घंटे में पृथ्वी जो है अपना पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है कितने घंटे में, 24 घंटे में। 24 घंटे को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करें तो कितना हुआ, 1440 मिनट में एक चक्कर कंप्लीट करेगी। एक चक्कर का मतलब क्या हुआ, 360 डिग्री, यानी पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है कितने समय में, 1440 मिनट में। अब आप इसे कैलकुलेट करिएगा, जगह यहां पे कम है, मैं करके दिखाता। पृथ्वी को एक डिग्री घूमने में जो समय लगेगा वो 4 मिनट लगेगा। एक डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा, 4 मिनट। मैंने बोला था यहाँ पे ऐसी रेखा बनी है हर एक डिग्री पे, है ना, पूरी 360 रेखा है। जैसे आप एक डिग्री आगे बढ़ते हो समय 4 मिनट बढ़ जाता है, फिर एक डिग्री आगे बढ़ते हो समय 4 मिनट बढ़ जाता है, फिर आप एक डिग्री आगे बढ़ते हो समय 4 मिनट बढ़ जाता है। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये इंग्लैंड है, इस समय इंग्लैंड की बात कर रहा हूं, इंग्लैंड में अगर 5 बजे हुए, कितने बजे, 5 बजे तक, ठीक है, और 5 के बाद आप क्या हुआ यहाँ पे 50 डिग्री आगे बढ़ गए, या मान लिया 20 डिग्री आगे बढ़ गए, तो 20 डिग्री आगे बढ़ने का मतलब 50 डिग्री आगे बढ़ जाओ, मान लो चलो 50 डिग्री आगे बढ़ते हो, तो 50 डिग्री का मतलब यहाँ पे रास्ता चल रहा है, मैं मिटा के बताता हूँ, ठीक है। जरूरी है क्योंकि ये चीजें रटकर हम नहीं कर सकते। देखिए अगर 50 डिग्री है ना, कहां शिफ्ट हो गए हैं, देशांतर, 50 देशांतर हम कहां जा रहे हैं, पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं, 50 देशांतर पश्चिम से पूर्व जा रहे हैं, और इस वाली कंट्री में मान लिया सुबह समय कितने बजे का है, 5 बजे का है। अब मैं जानना चाहता हूं 50 देशांतर के बाद जो कंट्री होगी वहां समय क्या होगा। यहां पर समय कितने बजे हुए हैं, 5 बजे हुए हैं। 50 देशांतर के बाद हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे समय कुछ और होगा, पता करना है। तो एक देशांतर में कितना समय लगता है, 4 मिनट का, तो 50 देशांतर गुणा 4 कितना, 200 मिनट का समय लगेगा। मतलब इस जगह का समय 200 मिनट आगे होगा, 200 मिनट का मतलब हुआ 3 घंटा 20 मिनट, 3 घंटा 20 मिनट यहाँ का समय आगे रहेगा। तो यहाँ 5 बज रहे हैं तो यहाँ टाइम क्या होगा, 8:20। बात समझ में आई? जैसे जैसे आगे बढ़ोगे हर एक देशांतर पे समय 4 मिनट बढ़ेगा, पीछे हर एक देशांतर पे समय घटेगा। तो ये देशांतर रेखाओं की बात आपको समझ में आ गई होगी। देशांतर हर अपने यहां जो यहां से कैलकुलेट करोगे जीरो से ना, तो 82.5 हमारे यहां जो देशांतर रेखा है वो कहां, देश में, ये भारत है, भारत पड़ता है, भारत में इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है देशांतर रेखा, ठीक है। यहीं से हमारे यहाँ का समय निर्धारण किया जाता है। अभी आपने यहाँ इधर इस साइड में ना, यहाँ जो असम त्रिपुरा मिजोरम पड़ता है, ये लोग एक दूसरी समय रेखा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे सन लोग बहुत जल्दी निकल आता है, बहुत जल्दी दिन निकल आता है यहाँ पे, और इधर गुजरात की तरफ जाते हैं साइड में तो यह दिन बहुत देर में निकलता है, ठीक है। अब रात तक सब लोग काम करते हैं तो इन्हें बहुत रात तक काम करना पड़ता है, मतलब ये लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं, कौन, असम,
इधर असम वाले त्रिपुरा मिजोरम ये लोग बहुत सुबह जल्दी उठ जाते हैं, दिन पर ही निकल आता है। गुजरात वाले बहुत देर में उठते हैं क्योंकि दिन बहुत लेट से निकलता है, शाम को ऐसे ही होता है, इनके यहाँ पर जल्दी रात हो जाती है, यहाँ पर देर में रात होती है। तो इंडिया में भी इधर के लोग टाइम एक नए टाइम जोन की मांग कर रहे हैं कि हमारी एक कई कई देखो से देख रहे हो, अफ्रीका में कई सारी देशांतर रेखा है, रशिया में कई सारी देशांतर रेखा है, लेकिन हमारे यहाँ फिलहाल एक ही है 82.5 वाली, और कहाँ से गुजरती है, इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजर रही है। चलिए ये टाइम रेखा की बात क्लियर हो गई, इधर जाएंगे हर डिग्री पे 4 मिनट बढ़ेगा, इधर 4 मिनट घटेगा, बहुत लंबा कर दिया। चलिए वापस आते हैं अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रेखा पर, तो ये ग्रीनविच रेखा होगी 0 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन टाइम। अब हम बात करते हैं 180 यात्रा अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रेखा की। अब ये कहां पर है, ये इधर पड़ती है यहाँ पे, देखो ये रशिया वाला एरिया है और ये अलास्का यूएसए का एरिया है, अब देख पा रहे हैं लुक पे भी मैं दिखा दूंगा आपको, ये अलास्का यूएसए वाला एरिया है अमेरिका वाला और ये रशिया, इसके बीच में यहां पर ये जो है ये बेरिंग जल संधि कहलाती है। बेरिंग जल स्ट्रीट पूछता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट अभी बता रहा हूं मैं। ऊपर एक्चुअली क्या है, ये चुक्ची सागर है, ये चुक्ची सागर इसे आर्कटिक सागर भी कहते हैं, चुक्ची सागर भी कहते हैं, ये एरिया चुक्ची सागर कहलाता है और नीचे जो है ये बेरिंग सी कहलाता है। तो चुक्ची सागर और बेरिंग संधि क्या होती है कि जो दो भूभागों को क्या कर रही होती है, अलग कर रही होती है और दो जल राशियों को जोड़ रही होती है, मतलब स्टेट संधि है क्या, संधि का मतलब क्या करेगी, दो जल राशियों को जोड़ेगी, अब दो जल राशियों को जोड़ेगी तो दो भूभागों को अलग करेगी, मतलब रशिया और अलास्का ये दो भूभाग अलग हो रहे हैं क्योंकि बीच में पानी भरा हुआ है, इस पानी की वजह से रशिया और अलास्का अलग हो रहे हैं। जुड़ कौन कौन रहा है भैया, ये ऊपर का चुक्ची सागर का से जुड़ रहा है, बेरिंग सागर से जुड़ रहा है, इसलिए संधि बोलते हैं। तो ये संधि जब भी कहीं संधि की बात होगी समझ जाइए, दो जल राशियां आपस में जुड़ रही होंगी और दो भूभाग अलग हो रहे होंगे, तो अलग हो रहा है यहाँ पे रशिया और अलास्का, जुड़ रहा है चुक्ची सागर और बेरिंग सागर, यहां से होकर ये गुजरती है हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इसे 180 डिग्री यामोत्तर रेखा भी कहते हैं, 180 डिग्री यामोत्तर रेखा कहते हैं, ये यहां से गुजरती है। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे नीचे जो आप देखोगे यहाँ पे ये कुछ द्वीप समूह बने हुए हैं और सब द्वीप समूह में समय एक जैसा है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को थोड़ा सा तिरछा कर दिया गया है, जिससे सभी द्वीप फिजी के द्वीप समूह है, तो फिजी के जो द्वीप समूह है इन पर और सब में समय में समानता रहे, इसलिए जानबूझकर इस काल में रेखा को तिरछा किया गया है, वरना तारीख सब जगह अलग हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इस साइड क्या हो रहा है, यहाँ पे जैसे ही आप यहां से इधर इधर बढ़ जाए, इधर हम क्रॉस करेंगे, इधर को आगे जाने में समय बढ़ेगा, पीछे जाने का समय क्या होगा, घटेगा। तो यहां पर हम जैसे ये इंडिया का हमारा समय है और यहाँ पे जैसे मैंने लिखा हुआ है, पूर्व से कहां जाएंगे, पश्चिम जाएंगे तो एक दिन घट जाएगा, हम अभी कहां जा रहे हैं, पूर्व से पश्चिम जाएंगे तो एक दिन घटेगा और पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, पश्चिम से पूर्व जाएंगे तो एक दिन बढ़ेगा, मतलब हम इंडिया से चले, ठीक है, और इंडिया से चले और हमने अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रेखा को क्रॉस करके अमेरिका पहुंचे, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रेखा को क्रॉस करके अमेरिका पहुंचे, जिस दिन चले और उसी दिन पहुंच गए, तब भी अगर हम 23 तारीख को चले हैं ना तो हम कहां पहुंचे, 24 को पहुंचेंगे, तो हम 23 तारीख को यहां से चलते हैं और उसी दिन कहां पहुंच जाते हैं, अमेरिका पहुंच जाते हैं, रात नहीं होने देते, लेकिन वहां जब पहुंचोगे तारीख कितनी होगी, 24 होगी, क्योंकि इस साइड से अगर हम जा रहे हैं तो इस साइड से अगर हम जाएंगे, किस साइड से जाओगे, इस साइड की बात कर रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रेखा को क्रॉस करते ही क्या होगा, एक दिन बढ़ जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी रेखा को क्रॉस करते ही किसी जाओगे तो एक दिन क्या होगा, घट जाएगा। तो ये हमारी समय की बात होगी, चलिए तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा, 180 इंपॉर्टेंट, यहाँ पे ज्यादा समय डेट निकालने को नहीं आ रही आपकी, ये समझेंगे 180 यहाँ मतलब हमारी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, बेरिंग सागर से चुप्पी सागर से हो जाती है, यहाँ पे बेरिंग जल संधि से हो जाती है, रेखा को जल्द पिछड़ा दिया गया है, इससे समय में समानता हमारी बनी रहे। अब बहुत छोटे टॉपिक्स मुझे कुछ आपको और बताए, एक यहाँ पे एक बात आई, जॉर्ज लेमेंटर की पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, बार बार मैप के ऊपर जा रही है, मैं चाहता हूँ कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो, तो पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसके लिए एक बहुत फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और ये बेल्जियम के भूगोल वेत्ता हुए हैं उत्तर जॉर्ज लेमेंटर, उनके द्वारा दी गई। जॉर्ज लेमेंटर ने बताया कि एक अग बहुत बड़ा विशाल अग्निपिंड था और उसमें क्या हुआ, विस्फोट हुआ और उस विस्फोट की वजह से बहुत सारे क्या बन गए, ग्रह और उपग्रह बन गए। ऐसा भी कहा जाता है कि अभी आप पढ़ोगे, बाद में पढ़ाऊंगा मैं आपको प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, और एक और थ्योरी यहाँ पे पढ़ने वाले हो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है, वो सारे पढ़ाऊंगा। ऐसा माना जाता है कि सारे महाद्वीप पहले सब इकट्ठे थे और कहां जुड़े हुए थे, अंटार्कटिका पे यहाँ जुड़े हुए थे सारे के सारे महाद्वीप, बाद में महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत बताएगा कैसे कैसे अलग, बाद में बात करेंगे इसकी। तो फिलहाल बेल्जियम भूगोलवेत्ता जॉर्ज लेमेंटर ने बताया
कि भाई अगले एक मिनट में विस्फोट हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्रह और उपग्रह ये सारे बने हैं और इनके ठंडे होने पर पृथ्वी बनी और पृथ्वी पर जीवन की अनुकूल दशाएं वहां पर आ गई। तो जो आज हम जानते हैं सबसे पहले बिग बैंग थ्योरी थी। बिग बैंग का मतलब समझ गया होगे कि विशाल अग्निपिंड में क्या हुआ, विस्फोट, और विस्फोट के कारण पृथ्वी की उत्पत्ति हो गई। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज है, यूरोपीय नाभिकीय संघ, संघ कहते हैं इसे, वहां पर क्या है कि फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पर 27 किलोमीटर लंबी एक अंडरग्राउंड सुरंग है, वहां पे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए कि यह बात सही है या नहीं, कहां तक इसमें सत्यता है। एक आपने नाम सुना होगा लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, LHC, क्या अभी कुछ 4-5 साल पहले गॉड पार्टिकल की खोज हुई थी, बताया था कि परमाणु से भी छोटा इलेक्ट्रॉन से छोटा कण होता है, गॉड पार्टिकल, बोसॉन करके नाम दिया। तो ये अभी वहां पे जिक्र आया था लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की खोज भी, यानी गॉड पार्टिकल जैसे बोला गया था, यूनिवर्स में आता है, तो यही पर इसकी हुई थी 27 किलोमीटर लंबी सुरंग। अब लेकिन पृथ्वी, ये तो बात की जाए किलोमीटर की बात सुना, लेकिन पृथ्वी आई कहां से पृथ्वी आई, कहां से इंसान आया, इसके बारे में फर्स्ट थ्योरी दी गई थी वो कास्ते द बफन के द्वारा दी गई थी। कास्ते द बफन ने बताया था कि पृथ्वी कैसे आई, भी एक बड़ा पुच्छ, कास्ते द बफन नाम ध्यान रखिएगा, एक बड़ा पुच्छल धारा सूर्य से टकराया, विस्फोट हुआ और इर्द-गिर्द सब में फैल गया, इसके लंबे समय के बाद ठंडे होने के बाद पृथ्वी बनी है। तो ये किसका सिद्धांत था, पुच्छल धारा सूर्य से टकराया, एक कास्ते द बफन का आइडिया था 1750 के आसपास ही, उन्होंने सबसे पहले पृथ्वी की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था 1749। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, सूर्य कलंक या सनस्पॉट, ये क्या होता है, सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, लेकिन सूर्य के अंदर ही एक ऐसा एरिया भी है जहां का टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से थोड़ा सा कम है, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, सूर्य कलंक या सनस्पॉट। अब क्या होता है, जब सनस्पॉट अर्थ के नजदीक आता है, सूर्य का वो वाला हिस्सा नजदीक आता है, तो पृथ्वी पर क्या होता है, चुंबकीय झंझावात उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। अब ये क्या, जैसा आपके आपको पता है ऊपर वायुमंडल है ना, तो जो मोबाइल रेडियो जो भी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यहाँ से रेज जाती हैं, किरणें जाती हैं, और किरणें आयन मंडल से परावर्तित होकर कहाँ आती हैं, पृथ्वी पर आती हैं। इसी के साथ टेक्नोलॉजी डिपेंड कर रही है, काम कर रही है, मोबाइल है, टीवी है, सब वर्क कर रहे हैं। तो जब ये चुंबकीय झंझावात होता है तो सारी वाइब्रेशन जितनी इलेक्ट्रिक अपरेटस हैं या तरंगे हैं, इनमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो जाता है, काहे की वजह से हो जाता है, सूर्य कलंक सनस्पॉट की वजह से हो जाता है। एक और बताऊंगा मैं, सिजगी भी कहते हैं, वृत्त ज्वार, इसे समझिए थोड़ा सा, बस बहुत जल्दी मैं वीडियो को खत्म करूंगा, आपका समय इंपॉर्टेंट है, मेरा भी थोड़ा सा, मेरा कम इंपॉर्टेंट है। सिजगी, सिजगी मतलब समझिए, ये पृथ्वी है, और मैं यहाँ पे ऐसे काल्पनिक बना दे रहा हूँ, आप कभी इसकी नोट्स बनाना चाहे तो बनाए, बेहतर होगा अपने साथ, देखिएगा क्या करना है आपको। मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें, सिलेबस संबंधित सारी चीजें हैं, एक एक करके फुल सिलेबस आपको हमें मिलने वाला है, 2-4 दिन में वीडियो रेगुलर हो जाएगी, आप अपने साथ तैयारी करिए। और अगर आपको बुक्स का सजेशन कुछ चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में अगर आप करेंगे तो मैं आपको बुक्स भी बता दूंगा, बाकी मैं ज्यादा इंटरव्यू नहीं करता, तो मुझे बताना है, बता। चलिए, अब ये पृथ्वी है और ये हमारी हमारा सन, ठीक, सूर्य की प्रकाश कहां है, पृथ्वी पे आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चंद्रमा अगर क्या हो गया, बीच में आ गया चंद्रमा, है ना, हमारा चंद्रमा बीच में आ गया, तो क्या होगा, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आना बंद हो जाएगा और सूर्य हमें दिखाई नहीं देगा, यहां से देखेंगे, यहां पे आप बैठे हुए हैं, ये देख रहे हैं, तो चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा, चंद्रमा पे स्पॉट दिखाई देगा, इसे बोलते हैं क्या, ग्रहण किसे लगा है, सूर्य को ग्रहण लग गया, सूर्य ग्रहण, कौन सी स्थिति हो गई भैया, ये सूर्य ग्रहण की स्थिति हो गई, ये कौन सी, ये स्थिति ये बनेगी सूर्य ग्रहण की स्थिति, जब पृथ्वी चंद्रमा और ये तीनों एक ही स्थिति में है। अब क्या होगा, सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति प्लस चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति दोनों मिलकर इकट्ठी होकर जो समुद्र में पानी भरा हुआ उसे अपनी ओर आकर्षित करेंगी, तो समुद्र की लहरें जो है ऊंची ऊंची लहरें उठने शुरू हो जाएंगी, जिसे हम बोलते हैं वृत्त ज्वार या सिजगी। वृत्त सिजगी वो पोजीशन है जब सूर्य चंद्रमा ये तीनों एक ही लाइन में हो जाते हैं। एक दूसरी स्थिति, चंद्रमा यहां के बजाय क्या हो, इधर आ जाए, चंद्रमा यहां के बजाय इस साइड आ जाए, तो अभी भी क्या होगा, सूर्य डायरेक्ट अटैक करेगा किसे, अब चंद्रमा रोक नहीं रहा अट्रैक्शन को, सूर्य डायरेक्ट अटैक करेगा, किसे अटैक करेगा, ये उस जल को अपनी ओर खींचेगा, तो फिर वृत्त ऊंची लहरें उठेंगी, वृत्त ज्वार, तो जो ज्वार आता है वो चंद्रमा और सूर्य इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से आता है। तो सिजगी के वजह क्या होगा, तीनों चीजें एक कंडीशन में होंगी, ये दो स्थिति दो बार बनेगी, एक तो बनेगी पूर्णमासी को बनेगी और एक बनेगी अमावस्या, ठीक है, अमावस्या और पूर्णमासी को हमेशा वृत्त ज्वार आएगा, क्योंकि उन कंडीशन में तीनों एक ही सीधे बनाते हैं। अगली कंडीशन क्या होगी, अगर ये 90 एंगल पे आ जाए, ऊपर सूर्य है चंद्रमा इधर आ जाए, या सूर्य इधर चंद्रमा इधर आ जाए, तो जब 90 का एंगल होगा तो इसके आकर्षण को ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा,
चंद्रमा सूर्य के आकर्षण को न्यूट्रलाइज करेगा कब? जब 90 पे होगा। ये कोण बन गया 90 का, इस तरह से ये 90 बन गया, यहां होगा तब भी यहां होगा तब भी। तो सूर्य का आकर्षण कम हो जाएगा, लहरें तो उठेंगी लेकिन उतनी ऊंची नहीं उठेंगी, थोड़ा कम कर देंगे, उसे बोलते हैं लघु ज्वार। तो ये बात सबसे खत्म होगी, लघु ज्वार की बात खत्म होगी, लघु ज्वार सिजगी समझ जाएगा, सिजगी पूछा गया एग्जाम में। अब मैं बात करता हूँ ब्लैक होल की, इस सवाल समझ लीजिए ब्लैक होल क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ था इसमें भी क्वेश्चन आया था, 15 दिसंबर 2019 का एग्जाम हुआ था, वहां भी क्वेश्चन आया था। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है ये आपको समझना है, क्योंकि ब्लैक होल का कॉन्सेप्ट जो है ये तो काफी पहले से दिया गया है। जॉन मार्शल के द्वारा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जॉन मार्शल, ठीक है नोट कर लीजिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं जॉन मार्शल, उनके द्वारा ये थ्योरी बहुत लंबे समय से दी जाती रही है। कौन सी वाली की? ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल है क्या पहले ये समझ लो। ब्लैक होल का मतलब है कि एक तारा जिसकी ऊर्जा क्या हो गई, समाप्त हो गई, और उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो वो क्या करता है आसपास जो कुछ भी दिखता है उसे अपनी ओर खींच लेता है, इवन उसके ऊपर प्रकाश भी पड़ता है तो प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है, वहां उसे देखना संभव नहीं है। लेकिन अभी अभी हॉटिजन टेलीस्कोप के द्वारा 2019 की इसी साल की बात है, इसी साल ये संभव हुआ है, हॉटिजन टेलीस्कोप, मैंने जॉन मार्शल का नाम लिख दिया, ये इंपॉर्टेंट है, अभी आया था फिर आने की संभावना है, क्योंकि इसी साल ये घटना हुई है, बहुत लंबे समय की बात करने के लिए। कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे कौन? जॉन मार्शल, उन्होंने ब्लैक होल की थ्योरी सबसे पहले दी थी। अब अगली बात क्या आई, हॉटिजन टेलीस्कोप का नाम ध्यान रखिएगा, हॉटिजन टेलीस्कोप। तो हॉटिजन टेलीस्कोप के द्वारा 2019 में वैज्ञानिकों को सफलता मिली है, पहली बार ब्लैक होल की पिक्चर लेने में। तो इसी साल पिक्चर ली गई है, वरना ब्लैक होल है केवल कल्पना में था, उसकी पिक्चर लेना देखना संभव नहीं था, गैलेक्सी में खोज किए और हॉटिजन टेलीस्कोप की मदद से इसकी पिक्चर इस साल ली गई है। एक लास्ट बात मैं करता हूँ आपसे, महाराष्ट्र की लोना झील कैसे बनी, किस बाकी जिलों में झील में थोड़ा सा अंतर है, कि एक उल्का पिंड था जो आपकी पृथ्वी से क्या हुआ, टकरा महाराष्ट्र में, और जब पृथ्वी से तेजी से टकराया तो वहां पे क्या हुआ, गड्ढा हो गया और उस गड्ढे में पानी भर गया बहुत सारा, जिससे कौन सी झील बनी है, लोना झील। तो महाराष्ट्र की जो लोना झील है वो उल्का पिंड के धरती से टकराने से जो गड्ढा हुआ था उसमें पानी भरने के कारण उत्पन्न हुई है।